आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे जो रेड बटन है इसको दबा देना और पास इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो आप संपूर्ण देख पाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी मान लीजिए दोस्तों कि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, आप 11वीं क्लास आपने कंप्लीट कर लिया, अभी आप 12वीं क्लास में है और आपको छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना, तो इस वीडियो में वो बताएंगे उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई कर पाओगे, आप मित्र से पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जानकारी पसंद आएगा, वीडियो जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने एसएसओ पोर्टल पे। दोस्तों ई मित्र के पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले क्या करना, आपको यूटिलिटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने में तो आपको सर्च कर लेना यहाँ पे स्कॉलरशिप। जैसे आप स्कॉलरशिप सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखेगा एस जेई ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल, यानी यहाँ पे जो एस जेई वाला ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, ना कि आपको छात्रवृत्ति। अगर आप छात्रवृत्ति डायरेक्ट करते हो यहाँ पे तो उसमें आपको क्या कॉलेज वाली छात्रवृत्ति यहाँ पे आती है, लेकिन हम जो एस जेई ऑनलाइन करते हैं इसमें 11वीं 12वीं क्लास के लिए जो 10वीं की छात्रवृत्ति वो अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करें फिर से स्कूल स्कॉलरशिप यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे कि यार हमने एस जी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग फॉर एस जी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एस जी का जो पोर्टल है यहाँ पे छात्रवृत्ति वाला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक पहले से कर रखी है यहाँ पे, तो अप्लाई उसका यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो गया। तो आपको नई अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन इस पे आ जाना है, यहाँ पे साइड में आप माउस को लेके आए तो यहाँ पे डैशबोर्ड व्यू अपडेट प्रोफाइल न्यू एप्लीकेशन, तो हमें क्या करना है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आधार संख्या डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको क्या कर देना कस्टमर का यहाँ पे आधार संख्या डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार संख्या डाल के और फिर सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे सर्च पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे एक बार आपके पास ओपन होगा, उसके अंदर आपको एक आई डालनी है, उसके बाद आपको खाता का प्रकार डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर से डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे आधार संख्या आपको टाइप कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे दोस्तों आपके पास नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर यानी स्टूडेंट की जो आईडी है जो 2019 में छात्रवृत्ति अप्लाई किया वो आ जाएगा, फिर आधार संख्या आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे मार्क्स आगे आईडी आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू एप्लीकेशन नया आवेदन सबमिट करने के लिए, तो आपको इस कॉर्नर वाले पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकी सर्च हो रही है। जैसे सर्च हो गए दोस्तों यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे इनको एथोटिकेटिंग करना, या तो आप आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो या फिंगर्स के माध्यम से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आधार ओटीपी से करने वाले थे, यहाँ पे ओटीपी हमने यहाँ पे भेज दी, तो हम ओटीपी डाल के और सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे के हम प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे ओटीपी वगैरह डालने के बाद यहाँ पे जो जिस छात्रवृत्ति के लिए आप इलिजिबल होते थे वो छात्रवृत्ति आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे भरने वाले, तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सर्वजन यहाँ पे एक आ गई है। तो हम यहाँ पे जो स्कॉलरशिप वाले भरने वाले अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने वाले, यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उसके लिए हमें अप्लाई करने वाले। तो हम सबसे पहले क्या करें, ऊपर वाले जो ऑप्शन इस पे टिक करेंगे। जैसे टिक किया तो हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होगा, उसके बाद पूरा इसका जो पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे क्या यहाँ पे ओपन होगा, नीचे आपको स्क्रॉल कर देना, यहाँ पे बताया गया डिपार्टमेंट का नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन है यहाँ पे, और ये बताया था प्रतिपूर्ण शुल्क यहाँ पे 100% आपको शुल्क यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे लिंक यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, या यहाँ पे जो कैटेगरी है वो एससी एसटी वाली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक श्रेणी यानी एपीएल बीपीएल अनुत ये सब कुछ यहाँ पे आ जाना, या ये कैटेगरी होनी चाहिए। और धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यानी सभी यहाँ पे कर सकते हो। आपकी जो सालाना आय इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द स्कीम कास्ट, तो हम ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस छात्रवृत्ति की जो डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहे योर प्रोफाइल लिंक योर अकाउंट, यानी आपके जो आधार जो प्रोफाइल के साथ ये अकाउंट लिंक है इसके साथ जाना चाहते हो, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने किया तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे 2021 ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट विद्यालय यानी आपको विद्यालय विश्वविद्यालय वो सिलेक्ट करना है। अगर आप 11वीं 12वीं है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट विद्यालय पॉलिटेक्निक इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट विद्यालय पॉलिटेक्निक, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिला आपको यहाँ पे ले लेना है, तो चलिए हम यहाँ पे जिला लेते हैं। उसके बाद में विद्यालय पॉलिटेक्निक यानी विद्यालय वगैरह कोर्स वगैरह ये आपको जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि ये डिटेल में भर के फिर आगे आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कक्षा कोर्स यानी 11वीं 12वीं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वर्ष का चयन आपको यहाँ पे ले लेना है, तो हम यहाँ पे जो 12वीं क्लास हमने यहाँ पे सर्च कर ली है
उसके बाद यहाँ पे वर्ष हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आती है प्रवेश की तिथि, यानी कि जो आपने 12वीं क्लास का जो एडमिशन है वो कब लिया, वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद में आता है अंतिम परीक्षा, यानी कि 11वीं क्लास आपने की है, अगर 12वीं तो आप यहाँ पे 11वीं क्लास लिखोगे, नहीं तो आप यहाँ पे 10वीं लिखोगे। उसके बाद आता है रोल नंबर और परीक्षा परिणाम, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे आपको 11वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे रोल नंबर मार्कशीट डाल देते हैं। उसके बाद आता है क्या पिछले वर्ष 6 माह में अंतर था, अगर आपने यानी 6 माह तक आपने स्कूल में प्रवेश वगैरह यानी पढ़ाई नहीं की तो आपको यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद में आता है कि आप छात्रावासी यानी हॉस्टल वगैरह रहते हो तो आप यस करेंगे था नो करोगे। हम यहाँ पे दोनों पर नेक नो करने वाले, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर भर लेते हैं और जो मार्कशीट है 11वीं क्लास की अपलोड करके आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि टोटल रिसीव अमाउंट, यानी आपने स्कूल में आवेदन किया उस टाइम टोटल कितने रिसीव अमाउंट थी, तो हमें यहाँ पे 510 डाल दी जो हमने स्कूल में शुल्क दी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे अलाउ कर लेना है, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अच्छे से आपको क्या करना, फिर से फॉर्म को यहाँ पे सही से चेक कर लेना। सही से चेक होने के बाद सिंपली क्या करना, आपको फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे बता रहा है यू आर श्योर, यानी आप श्योर हो गया इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो हम यहाँ पे सबमिट करने के लिए श्योर है, तो इसमें हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप आपको रेफरेंस आईडी आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा यहाँ पे प्रिंट व्यू आ जाएगा, तो आप इसको कस्टमर को प्रिंट निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो जानकारी पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।